नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं बहुत सारे राशियों का राशिफल डाल सकी महीने भर का, और फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं इन दिनों में। आपके रिश्ते में रोमांच की भावनाओं को समझने की कमी आ गई है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपके इस हफ्ते में लव लाइफ में रोमांस पैदा हो जाए। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आपके पर्सन फिर से रोमांटिक हो जाएं शुरू की तरह, और आगे बढ़कर सॉलिड कमिटमेंट भी दें आपको शादी के लिए, रिश्ते के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपके पर्सन हैं कि बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं इन दिनों। उनका ध्यान काम, पैसा, प्रॉपर्टी, करियर में लगा हुआ है। इसके लिए इन दोनों तरफ से देखिए, उनके लिए मुझे दिखाई देता है कि उनके लिए कैरियर ही मायने रखता है। पहले उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, तब बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, अब बदलाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं उनको इस समय में सिर्फ अपना काम दिखाई दे रहा है। देखिए, कहीं कहीं पर आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं। आप उनसे हर हाल में प्यार चाहते हैं, लंबे टाइम का साथ चाहते हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो अपने पार्टनर के साथ अब शादी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक रोमांटिक पैशनेट कमिटमेंट वाला रिश्ता चाहते हैं। तो देखिए, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। अगर आप दोनों आपस में ही मैरिड हैं तो भी आपको लगेगा कि आप दोनों के बीच में वो पहले वाला प्यार, मोहब्बत, रोमांस ख़त्म सा हो गया है। उनका काम अच्छा चल रहा है शायद, तो उनको जो है पूरा ध्यान उनका जो है वो काम पर लगा हुआ है, उधर ही जुटे हुए हैं वो। तो आप कोशिश करेंगे कि कैसे पहले वाला प्यार वापस लाया जाए। आप कुछ ट्रिक अपनाएंगे, कुछ कोशिशें करेंगे। आपकी यही कोशिश रहेगी कि आप दोनों में फिर से वो प्यार पैदा हो जाए। आप में से जो लोग सिंगल हैं वो किसी से बेहद बहुत ज़्यादा इन दिनों में अट्रैक्टिव होते हुए दिखाई दें, अट्रैक्ट हो रहे हैं आप। तो देखिए, यहाँ पर भी आप चाहेंगे कि जो पर्सन से आप अट्रैक्ट हैं वो आपको बहुत, वो आपका ड्रीम मैन लग रहा है, ड्रीम वूमेन लग रहा है, ड्रीम गर्ल लग रही है, तो आप उनसे शादी करना चाहेंगे। आपके पार्टनर स्मार्ट, बोल्ड, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव हैं। आप उन्हें देखने के बाद अपने दिल के दरवाजे खोल देना चाहते हैं। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। आप दोनों में से कुछ लोग दोनों तरफ से शादीशुदा हैं, तब भी आप कमिटमेंट चाहते हैं कि कम से कम ऐसा प्रॉमिस तो दिया जाए कि एक साथ मिल सके। और अगर दोनों ही सिंगल हैं तो अब शादी चाहते हैं आप। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, और आपको अब लग रहा है कि अब इससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो अब आगे ही बढ़ना चाहिए, शादी की तरफ जाना चाहिए। देखिए, आपके पर्सन हैं कि वो अपने पैसे, काम पर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। अब आप लड़ाई, झगड़े, आर्गुमेंट में नहीं रहना चाहते, किसी रिश्ते के पीछे नहीं भागना चाहते। अगर वो आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं तो आप भी अपने कैरियर पर, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहेंगे। चाहे वो पैसा हो या प्यार हो, दोनों में ही आप स्टेबिलिटी लाना चाहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग पहले से रिलेशनशिप में जहां उलझे हुए थे वहां से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपके पर्सन आप पर इन दिनों विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना तो कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, उन्होंने आपको बातों में फंसा रखा है। तो आप हर तरफ से ध्यान हटाकर अपने कैरियर, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी अब कि आपके पर्सन की फीलिंग इस समय क्या है। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के पर्सन की फीलिंग यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको रिश्ते में कोई चांस लेना समझ में नहीं आ रहा है। ये रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। अब वो यहाँ से निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी अगर वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको भी मूव ऑन करके इससे बाहर निकल जाना चाहिए। आपको लगने लगा है कि आप जो बोलते हैं, करते हैं, दोनों में फ़र्क है। कभी कभी उनको भी ऐसा ही लगता है, तो गलतफहमियाँ पैदा हो गई। उनको लगता है कि आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं वो करेक्ट नहीं है, वो आप पर डाउट करने लगे हैं, तो आपकी बहुत सारी बातों पर शक करते हैं। तो वो एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा हो सकते हैं। देखिए, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। मुझे आप दोनों के बीच की एक साइकिल होती है, रिलेशनशिप की साइकिल ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको लगता है कि आप इमेच्योर हैं,
मैच्योरिटी नहीं है आपके अंदर, आप इस रिश्ते को सही से लेकर नहीं चल पाएंगे, आपके साथ आगे रिश्ता नहीं, क्योंकि वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो रुक जाते हैं, एक चांस फिर से देना चाहेंगे और बिगड़ी हुई बातों को बनाना चाहेंगे। वो अभी भी जब भी आपके साथ बिताए पलों को याद करते हैं कि उन्होंने आपके साथ कितने अच्छे वक्त बिताए हैं, कुछ फ्लैशेज उनके माइंड में बार बार आते हैं आपको लेकर, तो आपसे दूर नहीं हो पाते। आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो आप दोनों का आउटकम अगर मैं देखूं तो आप में से बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, कहीं कोई चीटिंग हुई है, तो आप चीटिंग को बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। आपको पता चल सकता है कि आपके पर्सन ने आपको कोई धोखा दिया है, तो आप इस समय से निकलने की कोशिश करेंगे। और डिवाइन की तरफ से आप में से बहुत सारे लोगों को भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप इस धोखे से बाहर निकलिए, इसीलिए धोखा आपके सामने लाया गया है। भगवान कहते हैं कि आप यहाँ से मूव ऑन कर लें। आपको अगर लगता है कि सब गलतियाँ उनकी हैं या उन्होंने फरेब किया है आपके साथ, उनका फरेब आपके सामने आ गया है, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। डिवाइन यहाँ पर यही चाहते हैं कि आप इस तरह के रिलेशनशिप से बाहर निकलें। सजिटेरियस, एक्वेरियस, जैमिनी और लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन ये भी दिखाई देता है कि आप में से बहुत सारे लोग जब मूव ऑन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप घबरा जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएंगे, और आप पूरी हिम्मत के साथ इससे निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है। और देखिए, यही नहीं है कि आपके पार्टनर भी आपको नहीं आपको धोखा दिया है, ऐसा भी कहीं कहीं पर दिखाई देता है कि आप में से भी कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को धोखा दिया है, थोड़ा सा चीट किया है, तो दोनों तरफ में से मामला कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो जो कुछ भी है वो सब कुछ निकल कर रिश्ते के बीच में से सामने आ जाएगा। आपके सामने कोई बात ऐसी आएगी या उनके सामने कोई बात ऐसी आएगी जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े बवाल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड है, और उसके बाद एक साइकिल यहाँ पर रिलेशनशिप का खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने देखिए आपको यहाँ पर एक साप्ताहिक राशिफल में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है, तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर बहुत तरह की एनर्जी एक साथ दिखाई देती है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे नंबर पर अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, लव रीडिंग करवा सकते हैं, कैरियर के बारे में, प्यार के बारे में, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं, रिश्ता कहाँ तक जाएगा वो जान सकते हैं। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिए 9323135111। तो जाने से पहले मैं कहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक चैनल और है जहाँ पर लव रीडिंग आती रहती हैं, एंजल मैसेजेस के बारे में होता है, ट्विन फ्लेम के बारे में होता है, लव रीडिंग के साथ साथ और भी बहुत तरह की रीडिंग्स होती हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है अभय ज्ञान टैरोट लव, ठीक है। तो जाने से पहले ही मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।